हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे ट्विंस प्रेगनेंसी को लेके कि मैम मेरा पांचवा महीना चल रहा है तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कभी साइड से दर्द रहता है, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या ये सारे दर्द नॉर्मल है और हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि जी घबराना, उल्टी होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी लगना और कुछ अच्छा नहीं लगना, कभी खट्टा खाने का मन करना, कभी मीठा खाने का मन करना। और इन सारे चेंजेस की वजह होती है हमारे हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस समय हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो है काफी ज्यादा डिसबैलेंस रहते हैं, जिस वजह से हमको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक बहुत कॉमन सी समस्या और वो है पेट दर्द। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से 3 महीने का जो टाइम होता है हमको बार बार वोमिटिंग आती है तो काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है पेट पे भी, हमारे पूरी बॉडी में, तो उस वजह से भी कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का दर्द होना बहुत ही नॉर्मल बात होती है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, स्पेशली जब आपका फर्स्ट ट्रेमेस्टर चल रहा है तो अगर आपके हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपके दर्द बहुत तेजी से हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है और साथ में आपको ब्लीडिंग भी हो रही है बिल्कुल हल्की सी या फिर तेजी से, या फिर आपको उल्टी भी हो रही है, दस्त भी हो रहे हैं, साथ में बहुत दर्द भी हो रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। ये जो साइन होते हैं वो आपके गर्भपात होने के साइन होते हैं, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हम पहली बार जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं, दर्द भी होता है, तो इतना ज्यादा हमें पता नहीं चलता है स्पेशली पेट दर्द में। इसका रीजन होता है क्योंकि उस समय हमारे जो पेट होता है उसकी मसल्स वगैरह सारी सब कुछ एकदम टाइट होती हैं, तो इस वजह से उनपे प्रेशर भी पड़ता है तो हमको इतना ज्यादा महसूस नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए हमारी पहली प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसके बाद में हम दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं और वो भी ट्विंस कंसीव करते हैं, तो क्या रहता है कि पहली प्रेगनेंसी में अगर स्पेशली हमारी जब नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर हमारी सी-सेक्शन डिलीवरी हो तो उसमें जो हमारा पेट होता है बहुत ढीला पड़ जाता है, जो हमारी मांसपेशियां होती है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि दोबारा जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो जब हमारा पेट जो ढीला रहता है तो उसपे और ज्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है, स्पेशली ट्विंस प्रेगनेंसी में। तो जिस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे टमी बढ़ता है और हमारी जो है मांसपेशियां खिंचना स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और ट्विंस प्रेगनेंसी में आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आपका पेट एकदम से ऐसा होता चला जाएगा, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल तना हुआ, मतलब जब आप उस पर हाथ फेरेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है क्योंकि दो दो बेबी होते हैं प्लस दो दो प्लासेंटा होते हैं और थैली होती है, तो काफी सारा वजन हो जाता है, जिस वजह से हमको ट्विंस प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी हल्का फुल्का दर्द झेलना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में। देखिए, सबसे ज्यादा शिकायत होती है कि ट्विंस प्रेगनेंसी के जो 1 से 4 महीने होते हैं वो तो आराम से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा पांचवा महीना लगना स्टार्ट होता है तो हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द बहुत ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाता है। मतलब स्पीड वाला दर्द नहीं होता है बल्कि कुछ हल्का हल्का दर्द होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है क्योंकि पांचवे महीने से हमारे जो दो दो बेबी होते हैं उनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पेट के निचले हिस्से में वो अच्छे से नहीं हो पाता है, गर्भाशय भी धीरे धीरे काफी बड़ा होने लगता है क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में जो पेट होता है सिंगल प्रेगनेंसी के अपेक्षा काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो आपको पांचवे महीने से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपके निचले हिस्से में कंटिन्यू दर्द रहे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो पेट के निचले हिस्से में पांचवे महीने से जो दर्द होना स्टार्ट होता है वो शुरुआत में तो रहता है जैसे पांचवें या छठवें, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, फिर धीरे धीरे आपको थोड़ी हैबिट भी पड़ जाएगी। तो आप पांचवें महीने से एक चीज और नोटिस करेंगे, आपके प्राइवेट पार्ट में काफी तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आप करवट लेंगी तब आपको दिक्कत होगी और आप जो है अच्छे से बैठ नहीं पाएंगी तो आपको बैठने में भी दर्द होगा, उठने में भी दर्द होगा और आप सीढ़ियां चढ़ेंगी तो आपको दर्द होगा, आप जब लेटने जाएंगी अगर आप उस समय गलत तरीके से सोती हैं तब भी आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी दर्द की। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, जहां भी दर्द होता है अगर आपको दर्द सहन हो रहा है तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आपको जो है बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, आपको सहन नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि पांचवें महीने से क्या होता है कि हमारी जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसमें स्पेशली कब्ज और गैस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसका रीजन होता है गर्भाशय बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है और जिस वजह से हमको कोई भी चीज डाइजेस्ट करना भी आसान नहीं होता है।
तो इसलिए क्या रहता है कि हमारे पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, तो जिस वजह से कभी कभी बहुत तेजी से दर्द होता है। तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपको पांचवें महीने में जो है ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना है ताकि आपकी जो अपच की समस्या है वो काफी हद तक दूर हो जाए। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर गर्मी का मौसम है तो आप बिल्कुल भी फ्रिज का पानी ना पिएं, पी रहे हैं तो बिल्कुल मिला के पिएं, एकदम से डायरेक्ट ना पिएं, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है प्रेगनेंसी में। उससे क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट ठंडा पानी पी रही है तो आपके नसें जो है और ज्यादा तन जाएंगी और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो दर्द और ज्यादा होगा। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा गर्भाशय बढ़ता है तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो भी बहुत ज्यादा खिंचने लगती हैं। आप पांचवें महीने में एक चीज और देखेंगे कि आपके पेट पे एकदम से नसें चमकना स्टार्ट हो जाएंगी बिल्कुल दूर से, और पेट एकदम से ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बहुत ही ज्यादा कस के बिल्कुल टाइट करके बांध दिया हो, इस तरीके से आपको फील होगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है क्योंकि आप खुद सोचिए, दो दो बच्चों का प्रेशर बढ़ता है और वजन जो होता है दुगना वजन हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि पेट में इतना ज्यादा वजन होना तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होना बिल्कुल कंपलसरी है। और ट्विंस प्रेगनेंसी में आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके ही दर्द होता है निचले हिस्से में, कभी साइड से, कभी ऊपर, कभी नीचे, ये हर ट्विंस प्रेगनेंट वुमेन के साथ होता है। मेरे साथ भी होता था, मुझे पूरी प्रेगनेंसी दर्द बना ही रहता था, उठने में भी दिक्कत होती थी, बैठने में भी दिक्कत होती थी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब हम बात करते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी का जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, मतलब जो 7 से लेकर 9 महीने का टाइम होता है, उसमें 7वें महीने से आपके साथ क्या होगा कि आप एक चीज महसूस करेंगे, आपके पेट में एकदम तेजी से दर्द होगा, उसके बाद में अपने आप चला जाएगा, जब आप पोजीशन चेंज करेंगे तो बिल्कुल चला जाएगा। इसका रीजन होता है कि 7वें महीने से जो हमारी बॉडी होती है वो अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार कर रही होती है, जिस वजह से कभी कभी छूटे लेबर पेन आते हैं। छूटे लेबर पेन का मतलब होता है एकदम से ऐसा दर्द होगा जैसे आपके एमसी टाइम पे दर्द होता है और एकदम से उठेगा, एकदम से चला जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये दर्द कुछ सेकंड के लिए आते हैं उसके बाद अपने आप ही चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द लगातार आ रहा है, 7 साढ़े 7 महीने आपके कंप्लीट हो गए हैं और आपको दर्द एकदम बहुत तेजी से आ रहा है, प्राइवेट पार्ट से कुछ पानी जैसा या कोई चिपचिपा पदार्थ निकलना महसूस हो रहा है या फिर कुछ ब्लड हल्का फुल्का निकलना स्टार्ट हो रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए, ये भी आपकी जो है प्री मेच्योर डिलीवरी के संकेत होते हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब आपका 7वां या 7.5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आप एक चीज और नोटिस करेंगी कि कभी कभी हो सकता है कि जब आप जीना चढ़ के आए या फिर जीना उतर के जाए तो आप कभी महसूस करेंगे कि कभी कभी आपके जो है थोड़ा सा पानी छूट जाएगा, ठीक है, आप देखेंगे कि खड़े खड़े थोड़ा सा पानी छूट गया और आपके पैर वगैरह सारे गीले हो जाएंगे। और तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है, मान लीजिए पानी छूट गया थोड़ा सा और उसके बाद में पानी वगैरह कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन अगर पानी छूट गया है और आपको कोई दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में ये कंडीशन आना बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि बच्चों का इतना ज्यादा दिन पे दिन प्रेशर बढ़ने लगता है, तो जिस वजह से कभी कभी पानी की थैली पे थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है तो पानी कभी कभी थोड़ा सा छूट जाता है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप जो है ट्विंस प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपका टाइम बढ़े 7वां 8वां या 9वां महीना, तो आप अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप कुछ भी गलत ना खाए, कहने का मतलब है आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी ना लें, जैसे टिक्की, समोसे, गोलगप्पे, अगर आप ये चीजें खा रही हैं तो प्लीज बहुत कम खाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आपको डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी, प्लस साथ ही में कब्ज और गैस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और आप एक चीज ध्यान रखें, अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, आप नारियल पानी पीती रहें, आप जो है नींबू पानी पीती रहें, आप जूस वगैरह लेती रहें, आप फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लें, इससे आपको जो है काफी हद तक राहत मिलेगी गैस और कब्ज में। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और आप एक ट्विंस प्रेगनेंसी में एक प्रॉब्लम और फेस करने वाली हैं, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, 8वां या 9वां महीना लगेगा, तो जब आप टहलना स्टार्ट करेंगी तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि आप अच्छे से टहल नहीं पाएंगी, आप जितना ज्यादा टहलेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे पेट निकला पड़ रहा हो, बच्चा जो है एकदम से बाहर गिरा पड़ रहा हो, ठीक है। और आप एक चीज और देखेंगे कि जितनी देर आप टहलेंगे आपके पेट में बहुत तेजी से दर्द होगा, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप टहल रही हैं तो लगातार नहीं टहलना है, क्योंकि लगातार टहलने से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप थोड़ा टहलिए, उसके बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, उसके बाद में आप फिर दोबारा से टहल सकती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। देखिए प्रेगनेंसी हमारी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें काफी सारी खुशियों के साथ साथ हमारे बॉडी के साथ काफी सारे चेंजेस भी आते हैं, साथ ही में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी शुरू से नॉर्मल है,
ठीक है, डॉक्टर ने आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है छोटे मोटे दर्द को लेके। ठीक है, अगर आपके डॉक्टर ने आपकी जो ट्विंस प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताई है या फिर किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन बताया है तो आपके अगर थोड़ा सा भी दर्द हो, हल्का पुल्का से या कोई भी दिक्कत महसूस हो तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं, अदरवाइज आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये क्लियर किया है आपके स्पेशली पांचवें महीने में कि आपका जो प्लासेंटा है वो लो लाइंग प्लासेंटा है, कहने का मतलब है कि जो प्लासेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह पे आ गया है, तो इस कंडीशन में भी आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको जैसा डॉक्टर बोले, जैसा गाइड करें आपको वैसा करना है। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर इस कंडीशन में आराम करने के लिए कहते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। इसका रीजन होता है कि अगर आप इस समय ज्यादा काम करती हैं या ज्यादा प्रेशर डालती हैं तो जो प्लासेंटा जो मुंह पे रहता है बच्चेदानी के तो उससे ब्लड आने की संभावना रहती है, प्लस बच्चेदानी का मुंह खुलना भी स्टार्ट हो सकता है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ट्विंस प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपको कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी है कि आपको गलती से भी भारी सामान नहीं उठाना है, जिस वजह से भी कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भारी सामान उठाती हैं तो इससे क्या होगा, आपकी नसों पे प्रेशर पड़ेगा, प्लस जो बच्चा रहता है वो नीचे खिसक के आने लगता है, क्योंकि आप कोई भी बाल्टी वगैरह अगर उठाती हैं या कोई भारी सामान उठाती है जो भी प्रेशर होता है वो नीचे को पड़ता है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। आपको पूरी प्रेगनेंसी भारी वजन वगैरह बिल्कुल नहीं उठाना है, आपको जरूर ध्यान रखनी है बात। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं अभी तो मेरे स्टार्टिंग के मंथ है तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि आप अपनी प्रेगनेंसी में सोने की कंडीशन को बिल्कुल ध्यान रखें, आप बिल्कुल भी सीधे होके ना लेटें, ये प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा घातक होता है। अगर आप बिल्कुल सीधे होके लेटती हैं तो इससे आपको जो है आपका बीपी वगैरह भी लो होने की संभावना होती है, प्लस आपके बच्चे तक ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें। जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी में टाइम बढ़े तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आप एक ही अवस्था में ज्यादा देर तक ना बैठें, आप एक ही अवस्था में ज्यादा देर तक बैठ के काम ना करें। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आप थोड़ी देर बैठ के काम कर लेती है तो आप जब खड़ी होंगी तो आप एकदम से खड़ी ना हो, अगर आप एकदम से खड़ी होती हैं तो आपके नसों में और पेट में और काफी ज्यादा दर्द महसूस होगा, तो आप बिल्कुल आराम से खड़े हो, धीरे से खड़े हो। और आप एक चीज और प्रॉब्लम फेस करेंगी कि आप प्रेगनेंसी में जब कोई भी चीज नीचे गिर जाती है आप उसको डायरेक्ट उठाती हैं तब भी आपके पेट में दर्द हो सकता है, तो आप डायरेक्ट ना उठाने के बजाय या तो आप किसी की हेल्प ले लें या फिर पहले आप अपने घुटनों के बल बैठे उसके बाद ही सामान को उठाएं। और एक चीज और ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत देर तक जमीन पे ना बैठें। ठीक है, अगर आप जमीन पे बैठती हैं तब भी आपके प्राइवेट पार्ट्स में और पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दर्द की क्रिएट हो जाएगी। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मैम जब मेरा बेबी किक करता है तो मेरे पेट में एकदम से बहुत तेजी से दर्द होता है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से किक करते हैं तो कुछ बच्चे बिल्कुल धीरे से किक करते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, प्रेगनेंसी में छोटे मोटे दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, कभी पेट में दर्द रहना, कभी निचले हिस्से में दर्द रहना, या फिर कभी जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, और स्पेशली ट्विंस प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। तो आपको ये बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। और ट्विंस प्रेगनेंसी में आप एक और प्रॉब्लम फेस करेंगी, वो ये है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आप महसूस करेंगी कि आपकी नाभि के चारों तरफ बहुत ज्यादा दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, आप जब उसको टच करेंगी तो आपको काफी ज्यादा दर्द होगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये भी इसी वजह से होता है, हमारे यूट्रस का साइज बढ़ता है जिस वजह से खिंचाव पड़ता है, तो आपको नाभि को ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है। आप जो है उसके चारों तरफ से चाहें तो तेल वगैरह लगा सकती हैं, और तेल आप लगाएं तो सरसों का तेल लगाएं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा टच ना करें। आप जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी नाभि अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाएगी और ये जो दर्द है वो भी चला जाएगा समय के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए, और मेरे चैनल पर आपको इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।